नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या एक मिस्ट्री कहें या एक जो साइंटिफिक रीजन हो, ऐसा कुछ भी कहें, लेकिन वो आज भी अपने आप में एक अनसुलझा रेस्ट है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों कर लीजिए। कोई इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सब फ्री है। और आपको ऐसी नई जो मिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे एडवेंचर से हो, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं और भारत में हर जगह कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है या कोई ऐसी चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राम सेतु। राम सेतु बारे में आपको कुछ जानकारी दे देना चाहूंगा। राम सेतु रामेश्वरम से जो अपने श्रीलंका है उनके बीच में बना हुआ एक पुल है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम्स ब्रिज। और ऐसा माना जाता है कि ये जो, या ऐसा सत्य भी हो सकता है या सत्य है कि ये जो, ये भगवान राम के द्वारा बनाया गया है। यानी कि जब माता सीता को रावण ने अपहरण कर लिया था, तो उसके बाद जब भगवान श्री राम को रामेश्वरम से या भारत से लंका को जाना था, उस समय जो इनकी वानर सेना थी तो समुद्र किस तरह पार करे, उसके लिए बनाया गया था राम सेतु। तो ये राम सेतु है या एडम्स ब्रिज किन के द्वारा बनाया गया था? वानर सेना के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब आश्चर्य का विषय या जानने वाला विषय ये था कि उसके जो पत्थर काम में लिए गए थे उस पुल को बनाने के लिए, वो पत्थर पानी में तैरते थे, ऐसा क्यों? ठीक है, इसके पीछे अगर आस्था की बात की जाए तो भगवान राम जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, तो हम लोग कह सकते हैं एक चमत्कारी मान सकते हैं। और अगर, और एक चमत्कारी है कि एक पत्थर तैरते हैं, और छोटी मोटी चीज भी नहीं, एक बहुत बड़ा पुल। ठीक है, थोड़ा सोचने का विषय है, लेकिन इसके विज्ञान, विज्ञान का कुछ अलग ही कहना है। विज्ञान अपने अलग जो तर्क देता है वो सबसे अलग देता है, और वो एक साइंटिफिक रीजन की तरह होते हैं। तो दोस्तों जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम है पम्बन द्वीप पर। कहां पर? पम्बन द्वीप पर। कई बार एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि पम्बन द्वीप कहां है, तो कहां है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम से लेकर मन्नार की खाड़ी होते हुए लंका जाने के बीच में जो रास्ता बनाया था उसको कहते हैं राम सेतु या एडम्स ब्रिज। अब बात यहां आती है कि ऐसा क्या है उन पत्थरों में, या कोई चमत्कार है, चमत्कार है या फिर कोई साइंटिफिक रीजन। अगर साइंटिफिक रीजन है तो वो क्या है, तो चलिए दोस्तों बताता हूं मैं आपको। दोस्तों अगर सबसे अच्छा रीजन है, और विज्ञान ने इसका बहुत अच्छा रीजन बताया, कि वो जो पत्थर थे उन पत्थरों का आता है प्यूमाइस पत्थर। ठीक है, ये पत्थर एक विशेष प्रकार के पत्थर होते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो ज्वालामुखी से निकले लावे के द्वारा होता है। यानी जब ज्वालामुखी से निकलना लावा जैसे ही वायु के संपर्क में आता है, जैसे वायु के संपर्क बाहर आया, तो क्या होता है कि वो ठंडा होता है, और ठंडा होकर कठोर रूप धारण कर लेता है, और उसमें क्या होता है, छोटे 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 छिद्र जाते हैं जिनमें एयर भरी रहती है। ठीक है, तो इसके कारण होता है कि उसका वजन हल्का होता है, जैसे नॉर्मल जो पत्थर होते हैं उनसे हल्का होता है, और ये क्या कहते हैं, प्यूमाइस स्टोन कहा जाता है इसको। तो क्या होता है कि जब वहां पर ज्वालामुखी, तो जो वहां पर पत्थर काम में लिए गए थे उस टाइम, तो वो ज्वालामुखी से बने हुए थे, यानी कि लावे से निर्मित थे जो कि पानी में डूबे नहीं। अब बात यहां आती है कि भाई उस टाइम राम सेतु था, लेकिन अब कहां गया? तो उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन यही है कि क्योंकि जो प्यूमाइस पत्थर थे उनमें जो छिद्र थे उनमें वायु भरी हुई थी, लेकिन जब उन्हें राम सेतु बनाया गया, एडम्स ब्रिज बनाया गया, तो क्या हुआ कि अब धीरे धीरे उन छिद्र में क्या, पानी भरने लग गया। और जैसे जैसे धीरे धीरे पानी भरा और पत्थर भारी हुए और पानी में, यानी समुद्र में डूब गए, और ऐसे धीरे 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 करके राम सेतु धीरे धीरे गायब हो गया। ठीक है, इसके भी साइंटिफिक रीजन है। अगर आस्था की बात की जाए तो भगवान राम ने बनाया था, और उस पत्थरों पर भगवान के राम के नाम लिखे हुए थे, इस कारण पत्थर पानी में तैरते थे। और आज भी प्रथा बहुत चालू है, चलती है, क्योंकि आज भी वहां पर ऐसे पत्थर हैं जो पानी में तैरते हैं। ऐसी ही मिस्ट्री, ऐसी ही रहस्य से जुड़ी हम लोग आपको बातें लेके आते रहेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।